हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अपने मिसलिनियस जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इसरो लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन 2019। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में इसरो ने जो है 2019 में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र शुरू किया है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है, तो जल्दी से बताइए कहाँ से ये लॉन्च किया है। फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सही आंसर है ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु से ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ए इज द राइट आंसर। और देखो, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। बताइए किनको नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आपसे पूछी गई है, जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो जल्दी से बताइए सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, सी इसका सही आंसर होगा। ये नियुक्ति की गई है KM प्रसाद की। KM प्रसाद इज द राइट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर या फिर डांस में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मोस्टली आप सभी को पता होगा, ये पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। पेंटिंग, चित्रकला में जो है ये काफी माहिर थे। बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। इनकी बहुत सारी फेमस पेंटिंग है, कुछ का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको तब तक इनकी फोटो दिखा देती हूँ। राजा रवि वर्मा की, ये है राजा रवि वर्मा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच नोटेड जर्नलिस्ट हैज वोन द फर्स्ट गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड इन जर्नलिज्म। किस प्रसिद्ध पत्रकार ने पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बताइए इनका नाम आपको बताना है। फोर्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, ये जीता है रविश कुमार ने। रविश कुमार इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो गौरी लंकेश है वो भी एक जर्नलिस्ट थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था। मैं आपको गौरी लंकेश की फोटो दिखा देती हूँ। ये कर्नाटका से थी, ये भी काफी न्यूज में रहा था उस टाइम पे। ये है गौरी लंकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर आपसे पूछे गए हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो जल्दी से आंसर दीजिए किनको मिला था। ऑप्शन है आपके पास जरनैल सिंह, साइलेंट मैना, पीके बनर्जी और तुलसीदास बलराम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल सही, पीके बनर्जी फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मैं आपको पीके बनर्जी की फोटो दिखा देती हूँ। ये हैं पीके बनर्जी और ये इनकी लेटेस्ट फोटो है। अभी ये ऐसे दिखते हैं। पीके बनर्जी जो है ये फुटबॉल खेलते थे। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड इनको मिला है तो ये दोबारा से न्यूज में आ गए थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीके बनर्जी कौन से खेल से एसोसिएटेड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंडिया इन अ टेस्ट मैच। आपको बताना है उन फर्स्ट क्रिकेटर का नाम बताना है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी टेस्ट मैच में। आपको केयरफुली क्वेश्चन देखने हैं, आप पजल हो जाते हैं। ओडीआई में अलग रहता है, टेस्ट मैच में अलग रहता है, तो जल्दी से बताइए जिन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी सबसे पहले स्कोर की थी। सिक्स का सही आंसर क्या होगा? जी सिक्स का सही आंसर है ए। ए इसका सही आंसर होगा, लाला अमरनाथ इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। मैं आपको लाला अमरनाथ की फोटो दिखा देती हूँ। ये है लाला अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉडी बिल्डर टू विन द मिस्टर यूनिवर्स टाइटल। मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन बॉडी बिल्डर का नाम आपको बताना है, जिन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता था और वो फर्स्ट इंडियन रहे थे बॉडी बिल्डर।
तो उनका नाम बताइए, सेवेंथ का सही आंसर क्या होगा? जी, इनका नाम है मनोहर एच, ए इज द राइट आंसर। मनोहर एच ने जो है खिताब जीता था। मैं आपको उनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये उनके उस टाइम की फोटो है जब इन्होंने खिताब जीता था, और ये इनके प्रेजेंट की फोटो है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच रियोन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम्ड फॉर 2019 दादा साहेब फाल्के अवार्ड? किस पर्सनैलिटी को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, वो इनमें से किस पर्सनैलिटी को मिला है 2019 का, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास राजकुमार हिरानी, लता मंगेशकर, संजय लीला भंसाली या फिर अमिताभ बच्चन। जी बिल्कुल सही, एक का सही आंसर हो जाएगा डी, ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन इसका सही आंसर होगा। इन पर्सनैलिटी का तो आप सभी को पता होगा, मैं फिर भी आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, ये है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का आपको नाम बताना है। कौन गए थे सबसे पहले अंतरिक्ष में इंडिया से? वैसे तो यूएस से गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू द स्पेस, तब आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे आपसे इंडियन पूछे गए हैं, फर्स्ट इंडियन, तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। मैं आपको राकेश शर्मा की फोटो दिखा देती हूँ, ये है राकेश शर्मा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री अवॉर्डेड श्री रामनाथ कोविंद विद द हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव? कौन सी कंट्री ने ये दिया है अवॉर्ड? ये उस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवॉर्ड है, अवॉर्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, क्रोशिया, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। जी, ये अवॉर्ड दिया है क्रोशिया ने। क्रोशिया इज द राइट आंसर, बीस का सही आंसर हो जाएगा। और ये अवॉर्ड दिया गया है श्री रामनाथ कोविंद को। श्री रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है। मैं आपको उनकी फोटो दिखा देती हूँ, ये है श्री रामनाथ कोविंद। और इससे पहले प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आने से पहले ये गवर्नर रहे हैं बिहार के। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट से पहले ये कौन से पोस्ट पे थे, तो ये बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा खेल जो है वो भारत में ओरिजिनेट हुआ है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनका ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया है, उनमें से एक है कबड्डी। कबड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। कबड्डी जो है वो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से। और भी गेम है जैसे चेस है, लूडो है, ये सब गेम भी जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री इन 2019? निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बहुत सारे अवॉर्ड मिलते हैं ईयर में, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इस तरह से बहुत सारे अवॉर्ड दिए जाते हैं। उनमें से एक है पद्मश्री, और बहुत सारी पर्सनैलिटी को दिया जाता है, बट आपको इन गिवन फॉर में से बताना है कि किन्हें मिला था 2019 में। ऑप्शन है आपके पास गौतम गंभीर, बोधित्य मुखर्जी, जॉन चैम्बर्स और बछेंद्री पाल। तो सही आंसर होगा गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को दिया गया था पद्मश्री 2019 में, तो सही आंसर ए हो जाएगा। पहले ये एक क्रिकेट में थे, क्रिकेट के बाद इन्होंने अब जो है पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी पार्टी की तरफ से ये पॉलिटिक्स में भी है। मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम अपन और अपन घर? नाम से भी आप थोड़ा लैंग्वेज से भी रिलेट कर सकते हैं, असमीज लैंग्वेज है अपन और अपन घर। तो इसका सही आंसर आपको समझ आ ही गया होगा, ये स्कीम जो है ये असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस स्कीम में क्या होता है? इसमें हाउस पे जो है सब्सिडी दी जाती है ताकि सबका अपना घर हो सके। इस वर्ड का मतलब ही यही है कि सबके पास अपना घर हो, ए इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है?
आप सबको पता होगा, मोस्टली सभी को पता होगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। कहाँ की कैपिटल है? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और हरियाणा पंजाब की कैपिटल भी है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ पंजाब एंड हरियाणा इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, तिलाना इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ विच डांस फॉर्म। तिलाना जो है वो कौन सी नृत्य शैली की प्रस्तुति शैली है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर कथक डांस। कौन से डांस में ये एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है, तो कौन से डांस का है? जी बिल्कुल सही, जल्दी से बताइए 15th का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी भारतनाट्यम ए इज द राइट आंसर। इसमें जो होता है, जो होस्ट होते हैं वो इकट्ठे जो अपनी पोजीशन लेते हैं उस फॉर्म को जो है तिलाना बोलते हैं। इस तरह से ये पोजीशन जो है, ये प्रेजेंटेशन जो है भारतनाट्यम की, इस फॉर्म को जो है तिलाना बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज स्पोर्ट इज नॉट अ बोर्ड और टेबल गेम। इनमें से कौन सा गेम है जिसको बोर्ड पे या टेबल पे नहीं खेला जाता है? क्या आप देख के ही समझ गए होंगे, चेस चेस में भी बोर्ड का यूज होता है, कैरम बोर्ड में, तो कैरम बोर्ड में तो बोर्ड का यूज होता ही है, बैलियार्ड में भी होता है, तो ऐसा ऐसे आप एलिमिनेशन से भी कर पाएंगे, स्क्वैश में नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्वैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय का आपको नाम बताना है, वो कौन है जिन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज जीता था इंडिया से? हाँ जी, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किस फील्ड में मिला था? पहले तो आप बताइए, नोबेल प्राइज जो है वो कितने फील्ड में दिए जाते हैं, कौन कौन से फील्ड में दिए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इस तरह से आपको बताना है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, लिटरेचर में, और पीस के लिए भी दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को है ये किसके लिए दिया गया था? बिल्कुल सही, ये इनको मिला था लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था ये भी बताइए, 17th में ये इनको मिला था, 1913 में, 1913 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो दिखा देती हूँ, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हेन वाज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है वो कब हुआ था, कौन से ईयर में किया गया था? ये जो है ये किया गया था 1974 में इसका जो है गठन किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, राहुल अवारे इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। जो राहुल अवेयर हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं, इनमें से कौन से खेल के साथ वो संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग? 19th का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी ये कुश्ती करते हैं। 30th का सही आंसर हो जाएगा, ही इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। रेसलिंग इज द राइट आंसर, वेरी गुड। जिन्होंने सी दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, 15th अगस्त 1947 के बाद एक भारतीय डाक टिकट पर सुविधा वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए? आपको बताना है, फर्स्ट वुमेन जो जो 15 अगस्त के बाद जो डाक टिकट जो जारी हुई है उनमें उनकी फोटो थी, उनको जारी किया गया था, तो जल्दी से बताइए वो कौन थे। ऑप्शन है आपके पास, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर मीराबाई। 20th का जल्दी से आंसर दीजिए, सबसे पहले कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। सबसे पहले जो टिकट, डाक टिकट जारी की गई थी उनमें सबसे पहली जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई की थी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और वो कब हुई थी? आजादी के बाद सबसे पहली पूछी गई है, ये जो है ये जारी की गई थी 1957 में, जो रानी लक्ष्मीबाई के रिगार्डिंग जो डाक टिकट थी 1957 में वो जारी की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये इस टाइम पे ही क्यों गई की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे 1857 की क्रांति को जो है वो 100 ईयर पूरे हो गए थे, इसी की याद में जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे डाक टिकट जारी किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, 20 का सही आंसर है, 29th of August में ये मनाया जाता है। ऐसा क्यों, इसी दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस होगी तो जल्दी से वो भी बताइए। 29th आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट डे जो है वो 29th of August को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे काफी माने हुए, उनका बर्थडे होता है, बर्थडे ऑफ ध्यानचंद। ध्यानचंद कौन है, ये बहुत जाने माने हॉकी प्लेयर है। मैं आपको एक बार इनकी फोटो भी दिखा देती हूँ, ये है ध्यानचंद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी ICC's चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, इनमें से कौन जो है वो ICC के CEO बने हैं 2019 के वर्ल्ड कप के बाद। 22nd का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी इसका इनका नाम है मनु साहनी, डी इज द राइट आंसर। मनु साहनी जो है ये बने हैं CEO कहां के, ICC के, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ऑफ दीज प्लेसेस वर फाउंडेड इन 1577 बाय गुरु रामदास, गुरु रामदास द्वारा 1577 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, कौन सा स्थान जो है उन्होंने स्थापित किया था, कौन सी प्लेस की स्थापना उन्होंने की थी 1577 में, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी इन्होंने स्थापित किया था अमृतसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, 20 द राइट आंसर। अमृतसर से, अमृतसर में कौन सी फेमस जगह है ये भी बताइए, फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग है यहाँ पे, और गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है वो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये अभी स्टार्ट किया गया है, सितंबर में ही ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो जल्दी से बताइए। लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए चेंज कर दिया है, तो जल्दी से बताइए ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से आंसर दीजिए। 24th का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, ए इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु इज द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियाज मैन नेशनल फील्ड हॉकी टीम, जो अभी प्रेजेंट में कैप्टन है वो आपको बताने हैं, इंडिया की हॉकी टीम के आपसे प्रेजेंट कैप्टन पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताइए कौन है, भारत की पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है। 25th का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह इज द राइट आंसर, प्रेजेंट कैप्टन है मनप्रीत सिंह, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज अ हिल स्टेशन इन राजस्थान, इनमें से कौन सा हिल स्टेशन राजस्थान में है, काफी जाना माना हिल स्टेशन है, मोस्टली आप सभी को पता होगा, माउंट आबू की बात हो रही है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, माउंट आबू जो है वो राजस्थान में है। बाकी तीनों भी आप बताइए ये कौन कौन से स्टेट में आते हैं। पंचगनी कहाँ आता है, पंचगनी आता है मध्य प्रदेश में, नैनीताल आता है आपका उत्तराखंड में, और कसौली आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। माउंट आबू हमने कर ही लिया है, ये आता है राजस्थान में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइए राजस्थान में जो माउंटेन है वहां पे सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, जल्दी से ये भी बताइए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाईएस्ट पीक इन राजस्थान, तो वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू में ही आती है, गुरु शिखर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, Where did Google launch its first drone delivery service in 2019? 2019 में Google ने अपनी पहली drone delivery सेवा कहाँ शुरू की है? कौन से country से start की है इन्होंने ये? Option है आपके पास India, United States of America, Australia और England.
हाँ जी, ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 27th का है हमारा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द एम ऑफ द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट व्हिच वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो। इसरो द्वारा छात्रों के लिए हाल ही में शुरू किया गया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम आपसे पूछा गया है। वैसे बताइए इस प्रोग्राम का नाम क्या है, आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है युविका, और ये प्रोग्राम का एम क्या है जल्दी से बताइए। जी भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्पेस टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए ही इसका मेन एम है, टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये आप इंस्टीट्यूट के नाम से ही समझ गए होंगे। इसरो, इसरो किसके लिए काम करता है, स्पेस के लिए काम करता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप रिलेट करके भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। केंद्र सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना की है। आप सभी को पता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए किस पर्सनालिटी को जाना जाता है। अभी अभी उनके ऊपर एक स्टैचू भी बना है जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब तो मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे किसकी बात हो रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है जो सबसे बड़ा है उसका, यहाँ से आप इनका भी बताना है ये कितने सेंटीमीटर का स्टैचू है, जल्दी से बताइए। सी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, सी इज द राइट आंसर। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जब इंडिया का डिवीजन हुआ था उस टाइम पे जो है अलग अलग रियासतें थी और उनको मिलाकर पूरा इंडिया इन्होंने क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। बोलते हैं 565 रियासतें थी, और ब्रिटिश जब गए थे तो उन्होंने अपनी पैरामाउंसी की पॉलिसी जो है वो ब्रेक डाउन करके कि सब इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं ये करके वो गए थे। तो यूनिटी के लिए जो जाना जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉन द प्लेटिनम ऑफ वेब रत्न अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018। निम्न में से किस जिले में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2018 में वेब रत्न पुरस्कार का प्लेटिनम जीता था। प्लेटिनम बताना है आपको, डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने जीता था। जी बिल्कुल सही, ये जीता था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ने। 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट सर्व्ड फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। सबसे कम समय के लिए किन्होंने जो है वो सर्व किया है। देखो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन था, कल आपसे पूछा गया था सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट पीरियड किन्होंने सर्व किया है। तो आप मुझे दोनों ही बताइए, शॉर्टेस्ट भी और लॉन्गेस्ट भी, जल्दी से बताइए। पहले तो आप शॉर्टेस्ट का ही बता दीजिए, 31st का सही आंसर दे दीजिए जल्दी से। 31st का सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में पीरियड के लिए सर्व किया था। इनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, डेथ की वजह से इनको ये मतलब कम समय के लिए ही ऑफिस में रह पाए थे। अब आपको लॉन्गेस्ट सर्विंग बताना है, सबसे लंबे समय तक रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर लॉन्गेस्ट आ जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, शॉर्टेस्ट आ जाता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द फाइनल इन विजय हजारी ट्रॉफी 2018। विजय हजारी ट्रॉफी 2018 फाइनल की विजेता कौन सी टीम रही थी, कौन सी टीम ने जीती थी ये ट्रॉफी, जल्दी से बताइए। 32 का सही आंसर, ये जीता था मुंबई ने। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब जल्दी से मुझे ये भी बताइए, जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है।
इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। डेविस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बन जाते हैं ट्रॉफी और कप से रिलेटेड, आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द होस्ट ऑफ मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018, कौन से देश ने जो है मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का जो है होस्ट किया था, बताइए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी निम्न में से कौन से देश ने की थी, ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया या फिर जर्मनी। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल ये इंडिया ने की थी, भारत ने की थी, सी इज द राइट आंसर। इसमें भी आप मुझे स्टेट भी स्टेट बताइए, इंडिया में कौन सी स्टेट ने की थी, ये हुई थी ओडिशा में, ओडिशा, ओडिशा ने इसकी मेजबानी की थी, ओडिशा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज टाइड अप विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू ऑल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है, ये आपको बताना है ताकि वो सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। 34th आंसर दीजिए जल्दी से, ये इन्होंने अलायंस किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने ए दिया है आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप, ए इज राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, किरण बेदी इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, किरण बेदी वर्तमान में कहाँ की उपराज्यपाल है, कहाँ की है ये, पुडुचेरी, केरला, गोवा या फिर कर्नाटका। यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कहाँ के होते हैं, यूटी के होते हैं और गिवन में से सिर्फ एक ही यूटी है, इस तरह से भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता ही होगा, काफी चर्चा में रहती है किरण बेदी और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इज द राइट आंसर। बट अगर आपको नहीं पता है आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यूनियन टेरिटरी में होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों जो है वो स्टेट है, केरला, गोवा एंड कर्नाटका जो है वो स्टेट्स है, पुडुचेरी इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। मैं आपको किरण बेदी की फोटो दिखा देती हूँ, ये है किरण बेदी और ये फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, इसलिए ये भी बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज एसोसिएटेड विद थॉमस कप, देखिए थॉमस कप अब आपसे पूछ लिया गया है, आपको बोल रही थी जो कप है या ट्रॉफी है वो पूछ ली जाती है आपसे, तो यहाँ पे आपसे थॉमस कप पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए थॉमस कप जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है। जी ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन के प्लेयर को ये जो है थॉमस कप दिया जाता है, इज राइट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 36 का है हमारा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द एमडी सीईओ ऑफ यस बैंक इन मार्च 2019, मार्च 2019 में यस बैंक के एमडी सीईओ प्रभार इसमें से किसने ग्रहण किया था, किन्होंने ये पोजीशन ली है यस बैंक के एमडी और सीईओ की, मार्च 2019 में इन्होंने ये लिया है चार्ज, जल्दी से इनका नाम बताइए। जी इनका नाम है रणवीत गिल, रणवीत गिल ने ये पोजीशन ली है, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने डी दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है, डी इज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इनोग्रेटेड द डिफू ब्रिज इन 2019 में डिफू सेतु का उद्घाटन निमन में से किसने किया था, किन्होंने किया था इसको इनोग्रेट, ऑप्शन है आपके पास निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज या फिर नरेंद्र मोदी जी, इसका इनोग्रेशन किया था निर्मला सीतारमन ने, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उस टाइम पे निर्मला सीतारमन जो थी वो डिफेंस मिनिस्टर थी और जो डिफू ब्रिज बनाया गया है उसका काफी जो है रेलिवेंस है डिफेंस के पर्पज से भी, तो इसीलिए निर्मला सीतारमण ने इसका इनोग्रेशन किया था। अभी प्रेजेंट में बताइए, प्रेजेंट में पोर्टफोलियो चेंज हो गए हैं क्योंकि 2019 के इलेक्शन के बाद दोबारा से पोर्टफोलियो जो है वो चेंज हुए थे, तो आप प्रेजेंट में बताइए निर्मला सीतारमण के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, राजनाथ सिंह के पास कौन सा पोर्टफोलियो है
जल्दी से ये भी आप मुझे बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी जल्दी से मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, तो निर्मला सीतारमन आपको बताना है कि उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द फर्स्ट एवर ट्रिपल सेंचुरी इन आर टेस्ट मैच। निम्न में से किसने टेस्ट मैच में पहला 13 शतक लगाया था? बताइए, फर्स्ट पर्सन आपसे पूछे गए हैं, आपको केयरफुली देखना है। फर्स्ट इंडियन नहीं पूछे गए हैं, फर्स्ट पर्सन पूछे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर द फर्स्ट एवर ट्रिपल सेंचुरी इन आर टेस्ट मैच। और ये भी देखना है, क्योंकि कल मैंने नोटिस किया कुछ बच्चे जो हैं वो देखते नहीं है कि कौन से मैच में पूछा गया है। टेस्ट मैच में पूछा गया है, T20 में पूछा गया है, क्रिकेट ODI कौन सा टाइप का पूछा गया है, तो आपको ये भी केयरफुली देखना है। 39 से जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, ये जो है फर्स्ट एवर ट्रिपल सेंचुरी जो बनाने वाले हैं एंडी सिंघम, इसका सही आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 39 का है ए। इसके साथ आप मुझे ये भी बताइए, जो एंडी सिंघम है वो कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, कंट्री का नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशंस वोन द प्लैटिनम अंडर बेस्ट मोबाइल ऐप कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018। निम्न में से किस मोबाइल एप्लीकेशन ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप की श्रेणी में प्लैटिनम जीता है? बताइए, प्लैटिनम जो है वो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को मिला है? ऑप्शन है आपके पास, मॉडल मोबाइल, ई कोर्स सर्विसेज, ई लर्निंग एज या फिर स्किल पिल। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ई कोर्स सर्विसेज। ई कोर्स सर्विसेज को जो है वो प्लैटिनम मिला है, बी इज द राइट आंसर। इसके साथ आप मुझे गोल्ड भी बताइए, गोल्ड कौन सी सर्विसेज को मिला है, कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को वो मिला है? ई पाठशाला ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ मूवी, फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाँ जी, सबसे पहली फिल्म जो है वो बनाई थी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो थे, ही इज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ मूवी, और आपको इनकी मूवी का नाम भी बताना है। ये भी काफी फेमस है क्योंकि फर्स्ट मूवी रही थी, फर्स्ट साइलेंट मूवी थी ये, हरीश चंद्र इस मूवी का नाम था, हरीश चंद्र साइलेंट मूवी बाय दादा साहेब फाल्के। इसीलिए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो काफी सबसे मेन अवार्ड माना जाता है मूवी में। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूवी हो जाएगा, फिल्म से ये रिलेटेड रहता है। डी इज द राइट आंसर, बी सॉरी बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन एरेगन चैंपियनशिप 2019? एशियन एरेगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते थे भारत ने, बताइए जल्दी से। टोटल जीते थे 25। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने इसमें जो है कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन एरेगन चैंपियनशिप 2019 में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, ये भी आप जल्दी से बताइए। गोल्ड जीते हैं 16, 16 और टोटल 25 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज रिसीव्ड द नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019? निम्न में से किस भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन एजुकेशन टेस्ट पुरस्कार जो है 2019 का प्राप्त हुआ है? बताइए किनको दिया गया है ये अवॉर्ड, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास, कॉलेज देखो, मेरिट नेशन एंड बायजू और दोस्त एजुकेशन। ये अवॉर्ड मिला है दोस्त एजुकेशन को। जी बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने दे दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे बात हो रही है दोस्त एजुकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन द 15th of August? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री किस स्थान से राष्ट्र को संबोधित करते हैं?
आप सभी को पता होगा और आप इवन ये देखते भी होंगे टीवी पे, उनकी स्पीच भी सुनते होंगे, ये जो है संबोधित करते हैं लाल किले से। रेड फोर्ट इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, कौन पूछा गया है आपसे, हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, आपको बताना है पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, स्विम किया था, बताइए। भारतीय नहीं, सॉरी, आपसे फर्स्ट एशियन पूछे गए हैं, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले एशियाई कौन थे। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडियन भी थे और फर्स्ट एशियन भी रहे थे। 20 का सही आंसर हो जाएगा, मिहिर सेन इज द फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, दी इज द राइट आंसर। 46 का है हमारा डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, Which of the following countries launched the first hydrogen power train in the world in September 2018? जब ये नई-नई लॉन्च हुई थी हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तब ये काफी चर्चा में रही थी और इसको बनाने वाली कंट्री भी काफी न्यूज में रही थी, तो आप सभी को पता होगा यहाँ बात हो रही है जर्मनी की। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो है ट्रेन जो है वो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चली है सबसे पहले, और कब ये लॉन्च की गई थी, सेप्टेम्बर 2018 में। जर्मनी इज द राइट आंसर, डी का सही आंसर हो जाएगा। 47 का है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द फीफा वर्ल्ड कप विल टेक प्लेस एवरी डैश ईयर, कितने सालों में होता है फीफा वर्ल्ड कप, एवरी 4 ईयर, 2 ईयर और आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 3 ईयर, जल्दी से बताइए फीफा वर्ल्ड कप कितने समय के गैप के बाद होता है। जी बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर, ये हर 4 साल में होता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है, जब पास्ट में हिस्ट्री में जब स्टार्टिंग में ये वर्ल्ड कप होता था, उस टाइम पे आना ट्रैवल करना जो है इतना इजी नहीं होता था, जैसे इंग्लैंड आपको यूरोप से साउथ अमेरिका जाना है उसी में बहुत टाइम लगता था, तो इसी वजह से इसको कंडक्ट किया जाता था एवरी 4 ईयर। अब तो ट्रैवल करना बहुत ईजी हो गया है, तो 48 का सही आंसर है ए, एवरी 4 ईयर फीफा वर्ल्ड कप जो है हर 4 साल में होता था और अभी भी कंटिन्यू है कि हर 4 ईयर में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चांद पर कब उतरे थे, बताइए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बताइए जल्दी से बताइए। ये चांद पर उतरे थे 20th of July 1969 में, दी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने डी दिया है आप सभी का बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। लास्ट में आपसे पूछा गया है, द टर्म उत्कर्ष 2022 इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, खबरों में रहे शब्द उत्कर्ष 2022 का संबंध किस संगठन से है। ऑप्शन है आपके पास IRDA, नाबार्ड, सेबी और RBI। इसके साथ साथ आप इन सब की फुल फॉर्म भी मुझे बताइएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड की भी पूछी गई है, सेबी की भी आपसे पूछी गई है, तो जल्दी से इनकी फुल फॉर्म भी आप लिख के बताना, चारों की ही आपको बतानी है और इसका आंसर भी देना है। 50th का जल्दी से आंसर दीजिए, उत्कर्ष 2022 जो है वो न्यूज में रहा है RBI के प्रस्पेक्टिव से, RBI का ही टर्म है उत्कर्ष 2020, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग ये टर्म यूज होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, RBI इज द राइट आंसर। RBI की फुल फॉर्म मैं ही आपको बता देती हूँ, उसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी तीनों की आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।